हेलो वन ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आर दे डेटिंग समवन एल्स। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, क्या किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या किसी और को पसंद करते हैं, क्या किसी और से अट्रैक्टेड हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, उनके दिल में क्या कोई और है। तो उनके दिल में क्या कोई और है, आप है या कोई और है, हम ये जानेंगे कि उनके दिल में कौन है या क्या वो किसी और को पसंद करते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। तो ये रही हमारी टैरो डेक, आइए यूज करते हैं इसे और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या उनके दिल में कोई और है। और मे बी आर दे डेटिंग समवन एल्स, क्या वो किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या उनके दिल में कोई और है, क्या उनके जीवन में कोई और है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका नेचर जो है काफ़ी फन लविंग है। लाइफ को एंजॉय करना, मज़े करना, लाइफ में मज़े करना, चिल रहना, कूल रहना, थोड़ा फ्लर्टेशियस भी इनका नेचर हो सकता है, थोड़ा इमेच्योर नेचर भी है, थोड़ा फ्लर्टेशियस भी है ऐसा लगता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं ये इंसान, इनके अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई साइन नहीं मिला है जिसमें मैं कह सकूं कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं या उनके दिल में कोई और है। लेट्स सी, अगर कोई कार्ड ऐसा आता है, आर दे डेटिंग समवन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो है, बट आई डोंट थिंक सो ये डेटिंग के बारे में है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई अफेयर या थर्ड पार्टी की तरफ कोई अट्रैक्शन या थर्ड पार्टी की तरफ कोई इमोशन वगैरह नहीं है। बट या थर्ड पार्टी जो है वो प्रेजेंट तो है, बट इनके दिल में प्रेजेंट नहीं है, इनकी लाइफ में प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये इस क्वेश्चन में आया है, वैसे तो इसका मीनिंग हम कुछ और बता सकते थे, लेकिन जो प्रश्न हमने पूछा उसके उत्तर में ये कार्ड्स आए हैं। थ्री यहाँ पर भी है, थ्री यहाँ पर भी है, ऑल दो ये थ्री ऑफ वैंस है, बट स्टिल ये कॉम्बिनेशन जो है ना व्यूअर्स, वो बताता है उनकी लाइफ में तो कोई हो सकता है लेकिन दिल में नहीं है, क्योंकि ऐसा इमोशनल कार्ड कोई नहीं आया है अभी तक कि जो उनके अटैचमेंट को दर्शाए, जो उनके प्यार को दर्शाए, ऐसा कोई कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़े फ्लर्टेशियस हैं, थोड़े फ्रेंडली हैं, थोड़े फ्रैंक हैं, फीमेल मेल दोनों के लिए है ये बात, कि इनका नेचर थोड़ा फन लविंग है, थोड़ा चाइल्डिश है या थोड़ा इमेच्योर है, जिसकी वजह से कभी कभी ये इंसान ज़्यादा ही उतावलेपन में रहते हैं, ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में रहते हैं और ज़्यादा ही थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर देते हैं। ऐसा नहीं है ये इंटेंशनली ऐसा करते हैं, ये नेचुरली ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा इमेच्योर बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते बहुत लोगों के साथ होंगे, ये बहुत लोगों से फ्लर्ट कर रहे होंगे, बहुत लोगों के साथ इनका कनेक्शन होगा, ऐसा दिखने में लग सकता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बस ऐसा है कि ये इंसान इमेच्योर है, ओवर कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं फन लविंग ज़्यादा है, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो यूथफुल एनर्जी है, यानी कि जो एक मैच्योरिटी होती है वो वाली वाइब यहाँ पे नहीं है। और रही ये बात कि इनकी लाइफ में या इनके दिल में क्या कोई और है, देखिए व्यूअर्स अभी तक मैं आगे और क्लैरिफाई करूँगी, बट अभी तक मुझे नहीं लगता इनके दिल में कोई और है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं,
किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी स्पेशल वन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इनसे दूर हैं व्यूअर्स, तो हो सकता है ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर फार अवे। अगर आप दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, एक ज्योग्राफिकल गैप है या एक इमोशनल गैप है, तो मुझे लगता है कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, वो किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का, उनकी लव लाइफ में कुछ होने का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है वो चीज़ों को फिक्स होने देना चाहते हैं, कि कुछ ऐसा है जो स्पॉइल हुआ है उनके लव लाइफ में, हो सकता है आपके और उनके बीच कुछ ऐसा है जो स्पॉइल हुआ है, कुछ ऐसा है जो बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो ख़राब हुआ है, बिगड़ गया है। वो इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि वो कब ठीक हो जाए। वो सब कुछ डैमेज ऐसा हुआ है जिस डैमेज के फिक्स होने का वो वेट कर रहे हैं। जैसे आपके और उनके बीच एक झगड़ा हुआ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके और उनके बीच एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े में कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो है वो थोड़ा दरार आ गई उसमें, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब वो फिक्स होगा। जो दरार आई है, जो कहीं ना कहीं क्रैक आया है, वो कब फिक्स होगा। एक हीलिंग का इंतज़ार करना, किसी इशू के हील होने का, किसी पेन के, किसी प्रॉब्लम के हील होने का वेट करना। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर दैट करेंटली, दे आर नॉट डेटिंग एनीवन एल्स। रही बात कि इनकी लाइफ में कोई हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, हो सकता है इनकी लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट, नहीं तो इंटरफेरेंस कुछ तो है। इतना क्लियर अभी निकल कर नहीं आया है कि लाइफ में कौन है, वो क्या है, हम आगे क्लैरिफाई करते हैं, पर कोई है, थर्ड पार्टी है। बट जैसा कि कहा कि इनके दिल में कोई नहीं है, दिल में आपके अलावा मुझे कोई और नहीं दिखा है अभी तक, और देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा इमोशंस वाला कार्ड नहीं आया है। आगे देखते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, कि ये जो इंसान है ना, सीरियस होने से, रिश्तों में सीरियस होने से या कमिटमेंट से भागते हैं या डरते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आई है। ये इंसान कमिटमेंट देने में कतराते हैं, रिश्ते में सीरियस होने से डरते हैं, कहीं ना कहीं वादा करने से, कोई सीरियसनेस कहीं ना कहीं रिश्ते में आ जाए तो उस चीज़ से उन्हें डर लगता है। एक इनकी ऐसी चाइल्डिश और इमेच्योर एनर्जी है जो कमिटमेंट से और सीरियस रिश्तों से दूर भागते हैं। एक ऑफिशियल रिश्ता, एक कमिटेड रिश्ता कमिटमेंट नहीं देना चाहते, दे स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट से डरते हैं, शादी से डरते हैं, दूर भागते हैं सीरियस रिलेशनशिप से। वो बस लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं और आपके साथ अपना इक्वेशन ख़राब भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आपके साथ जो उनका बॉन्ड है वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। वो इसीलिए चाहते हैं कि जो भी इशू हुआ है वो हील हो जाए, फिक्स हो जाए। इसीलिए यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं कमिट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, और ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ को। ओके, तो इसीलिए एकदम उन्होंने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी और के साथ इनका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। बट हाँ, इन्होंने, क्योंकि ये कमिटमेंट से भागते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है, इस वजह से थोड़ा ओपन है अभी ये, न्यू ऑप्शंस को लेके, न्यू लोगों को लेके अभी ये इंसान कंफर्टेबल है, ओपन है, मुझे ऐसा लगता है। या क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, साफ साफ दिख रहा है। ये फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, इवन एक रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह से, सीरियसनेस से थोड़ा डरते हैं। जल्दी सीरियस नहीं होना चाहते लाइफ में, ना नहीं होना चाहती, ऐसा भी है, और जल्दी कमिट नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। पर यह भी है कि आपको खोना भी नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो आपको खो दें। देर ओके टू कम्युनिकेट और टॉक विद अदर पीपल, सबसे बात करने में, सबके साथ इन्जॉय करने में इन्हें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और है जिसे डेट कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, नेचर इस समय इनका ऐसा है। अगैन
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये इतने मेच्योर है या कमिटमेंट से इतना डरते हैं या सीरियसनेस नहीं ऑफर कर सकते, तो क्या ये इंसान कभी कुछ सीरियस ऑफ़र करेंगे भी या नहीं, या क्या ये इंसान कभी सीरियस होंगे या नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि ये इंसान सीरियस होंगे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन देर से। कमिटमेंट भी ऑफ़र करेंगे, एक स्ट्रांग ऑफ़र, एक स्टेबल वैल्यूएबल ऑफ़र भी आपको देंगे, सीरियस भी होंगे और कमिटमेंट भी ऑफ़र करेंगे, बट दिस थिंग विल टेक टाइम। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो एनर्जी है, स्लो मूवमेंट होती है इसमें, बार बार मूवमेंट करने का डिसाइड होने के बाद भी एक स्लो और ग्रेजुअल स्पीड है इसमें। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आएंगे ऑफर करने आपको, तब सीरियस भी होंगे ये, तब कमिटमेंट भी देना चाहेंगे, लेकिन उसमें टाइम है, इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है कि ये आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से भी बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स भी बोलते होंगे कि क्यों कमिट नहीं कर सकते, क्या बात है, या फिर कुछ इस बारे में डिस्कशन होता है। आपके पर्सन खुद को स्मार्ट समझते हैं या समझती हैं, लेकिन उनके अंदर इमेच्योरिटी कूट कूट के अभी भरी हुई है। वो लाइफ को एंजॉय करने के नाम पर लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या लाइफ में रिश्तों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नो, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। हे अगेन, वी हैव टू, लेट्स शफल इट प्रॉपरली। ओके, हियर वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका पुराना रिश्ता है, लाइक पुराने जन्मों का रिश्ता। आई एम नॉट लाइंग। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना व्यूअर्स, वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिसका पिछले जन्म में किसी के साथ रिश्ता रहा है या फिर एक पुराना रिश्ता रहा है। ओके, एक हिस्ट्री रही है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ ऐसा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, इसीलिए इस लाइफ में आप दोनों दोबारा मिले हो, दोबारा टकराए हो। कहीं ना कहीं ये अब भी आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं। अगर देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं भी है और इस लाइफ में भी आप दोनों की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा है, तो वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अब चाहे पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा चाहे नहीं रहा, वो अब तो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, वो अब आपके साथ एक होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विद यू अगेन, आपके साथ दोबारा होना चाहते हैं, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, या आपको अपने जीवन में वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन एक यूनियन चाहिए। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग दैट दे आर मिसिंग यू। कहीं ना कहीं आपकी कंपनी, आपकी संगत, आपका साथ उन्हें अच्छा लगा है, उन्हें अच्छा लगता है, लगा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ को बहुत इन्जॉय भी किया है। जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, उन्होंने उस समय को बहुत इन्जॉय भी किया है, इसीलिए वो कुछ ऐसे पल याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे और आपके साथ वापस एक होना चाहते हैं। बट क्योंकि आप इनके पास्ट में भी हैं, चाहे पास्ट लाइफ में हैं या इसी लाइफ में आप पास्ट में इनके साथ कनेक्टेड रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये तो आपके साथ ही वापस एक होना चाहते हैं, क्योंकि कोई और इनके दिल में नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है। इवन यही कार्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर आप किसी और टैरो रीडर को भी दिखाओगे, किसी और टैरो रीडर को भी दिखाओगे तो भी वो समझ जाएंगे ईजीली कि कोई और नहीं है उनके दिल में। इवन देखिए, ये लास्ट कार्ड जो आया है, क्वीन ऑफ कप्स, ये बताता है दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्योर फीलिंग्स हैं, प्योर इंटेंशंस हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि ये इंसान थोड़े इमेच्योर हैं और चीज़ों को देर से समझते हैं। ओके, इमेच्योर हैं और देर से इनको रियलाइज़ होता है कि
कि इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की इनको बहुत ज़रूरत है, क्या इनको करना चाहिए, ये सोचते हैं कि ये कमिट नहीं कर सकते, सीरियस नहीं हो सकते, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके लिए, उनका जो प्यार है ना वो बहुत जेन्युइन है। तभी तो भविष्य में चल के, तभी तो फ्यूचर में एक ऑफ़र इनकी तरफ से आ रहा है, जो कि अभी नहीं आ रहा, थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में इनकी तरफ से एक ऑफ़र आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, सच्चा प्यार है, लेकिन इनकी इमेच्योरिटी, इनकी ज़िद, इनका लाइफ को लेकर एक अलग नज़रिया जो है कि अभी तो इन्जॉय करना है, मस्ती करनी है, अभी से कोई कमिटमेंट में नहीं बंधना है, उस पर्सपेक्टिव की वजह से ये चीज़ें बिगाड़ देते हैं, ये बिगाड़ देती हैं। कमिटमेंट इश्यूज होते हैं कई लोगों को। यहाँ पर जो जोडियक साइंस हो सकते हैं आपके या उनके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैजिटेरियस, ये कुछ जोडियक साइंस हैं जो आपके या उनके हो सकते हैं। आइए आगे हम और देखते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया व्यूवर्स कि इनकी लाइफ में कोई है, और वो कोई भी, कोई और भी है तो वो ऐसा ही है कि इन्होंने ऑप्शंस को ओपन रखा है, जो मैंने कहा था आपसे, और कोई क्लोजली कोई इनकी लाइफ में नहीं है कोई दूसरा। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 3/13/23, 6/16/26, 9/19/29, 4/14/24, 5/15/25, 1/11/21/31, 7/17/27, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। आपका और उनका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जनवरी, नवंबर, जून, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, मार्च, आई ऑलरेडी सेड मार्च एंड सितंबर, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये मंथ और डेट मैच नहीं करते तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, डो वरी अबाउट इट। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।